हाय फ्रेंड्स, हेल्दी कुकिंग विद अनीता में आपका स्वागत है। दिवाली का टाइम आ रहा है तो आज मैं आपको खुद से कुक करके कुछ भी नहीं दिखाऊंगी। आज मैं आपको सिखाऊंगी स्मार्ट कुकिंग, जिसमें सारे कुछ को आपको असेंबल करना है और उसको फ्यूजन स्टाइल में हम उसको लेयरिंग करके उसको शॉर्ट ग्लास में एक स्वीट डिश बनाएंगे। तो ये इतना आसान है कि इसे कोई भी बना सकता है, क्योंकि कितने लोग को होता है कि कैसे बनाएं, ये आइटम नहीं है। तो आप दिवाली के टाइम में मिठाई तो लाते ही हो, ये आपके घर में मिठाई देके जाता है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि फ्यूजन स्टाइल से आप उन मिठाइयों का कैसे लेयरिंग करके एक अपना स्टाइल बना सकते हो। इसके लिए मैंने आपको बताती हूँ कि मैंने आप क्या क्या लिया है। तो ये मैंने लिया है मोतीचूर का लड्डू, और ये मेरा है रबड़ी। ये आप घर में भी बना सकते हैं और बाहर से भी ला सकते हैं। और ये मेरा खोआ मावा है, इसको मैंने घर में निकाल लिया है, इसको भी आप बाजार से ले सकते हैं। और ये मेरा छोटा रसगुल्ला है, तो ये रसगुल्ला भी दो तीन तरह के आते हैं, तो आपको जो रसगुल्ला आपके पास हो अवेलेबल आप उससे बना सकते हो। तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये जो मोतीचूर का लड्डू है इसको मुझे थोड़ा सा क्रम्बल करना है, इसको क्योंकि इसको लेयरिंग करने के लिए ग्लास में हमें इसको क्रम्बल किया हुआ ही हमें डालना है। तो इसको पूरा आप ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा हैपजर्डली इसको आप तोड़ लेना। और ये मैंने शॉर्ट ग्लास लिया है, मैं सारा आपको इसमें लेयरिंग करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो मोतीचूर का लड्डू है ये मैं सारे ग्लास में इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा। आपको इसको 1/3 लेयर तक ही लेना है और थोड़ा हाथ से आप इसको प्रेस कर ले। तो ये लेयर बनेगा तो ये देखने में भी बाहर से भी ये सुंदर लगना चाहिए। लड्डू में भी दो तीन कलर आते हैं, तो आप ये ऑरेंज कलर वाला लड्डू लोगे तो इसका लेयरिंग में ये सुंदर लगता है ये कलर, क्योंकि जो एकदम येलो कलर होते हैं वो उसको डल सा फील करा देगा। तो मैंने ये ऑरेंज कलर का लड्डू इसमें यूज किया है, ये कर दिया। अब ये मैंने जो मावा निकाला था ये मैंने घर में निकाला है, और इसमें मैंने अभी शुगर नहीं डाला है। तो ये मैंने शक्कर लिया है, इसे इंग्लिश में जैगरी पाउडर कहते हैं। तो ये आप अंदाज से डाल लेना, मैं इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर डाल रही हूँ। तो इतना शक्कर डाल के मैं इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे से, या पहले से भी करके रख सकते हैं लेयरिंग करने से पहले। तो आपको जितना मीठा या जितना हेल्दी इसको खाना है आप उसी हिसाब से शक्कर डालना। आपके घर में जिस हिसाब से मीठा खाते हैं आप इसको उस हिसाब से बना लेना। और मैं सब में थोड़ा थोड़ा ये मावा डाल रही हूँ। जो भी चीज इसमें डाले उसको प्रेस करके एक लेयर टाइप से बना ले। क्योंकि बाहर से आप देखोगे तभी ये लेयर दिखेगा। अब ये मैंने जो रबड़ी बनाया था ये मैं इसमें डाल दी हूँ। आप चाहे तो बीच में ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, नट्स, जैसे मैंने ये पिस्ता और बादाम लिया है ये मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल दे रही हूँ, तो आपको एक लेयर का और पता चलेगा, दोनों में डिवाइड हो जाएगा दोनों लेयर। अब ये मेरा रबड़ी वाला लेयर आएगा, तो मैंने ये रबड़ी आप अपने हिसाब से देख लेना, इसको थिक भी रख सकते हो और थोड़ा पतला भी रख सकते हो। तो मैंने इसे मीडियम कंसिस्टेंसी में इस रबड़ी को बनाया है, तो अब मैं इसमें रबड़ी डाल रही हूँ। और रबड़ी डाल के ना आपको ग्लास पूरा अच्छे ऊपर तक भर देना है। आप इससे छोटा ग्लास भी आता है वो भी ले सकते हो, अगर आपको लगे कि एक बार में इतना ज्यादा कोई नहीं खा सकता है और छोटे ग्लास में भी बना सकते हो। ये मैंने रसगुल्ला लिया है, आप ये रसगुल्ला इस साइज का भी ले सकते हो, इससे थोड़ा बड़ा भी ले सकते हो, आपके पास और आई आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे भी ले सकते हो, या घर में भी आप छोटे बना सकते हो। मैं अभी सारा कुछ ये रसगुल्ला और मोतीचूर का लड्डू बाजार से ही लेके आई हूँ। तो आप इसको एक पीस भी डाल सकते हो, दो पीस भी डाल सकते हो। अब हमें इसको गार्निश करना है, तो गार्निश करने के लिए मैंने ये सैफरन लिया है, केसर लिया है। तो आपको रसगुल्ला के ऊपर 1-2 स्ट्रैंड केसर का लगाना है। और ये जो बादाम पिस्ता मैंने चॉप किया था ये आपको एक साइड में डालना है। Thank you.
अब मेरा डिश तैयार हो गया, आपको इसको फ्रिज में रख के चिल करके खाना है। तो दिवाली में आपके पास इतने सारे काम होते हैं, तो आप रेडीमेड कुछ इंग्रेडिएंट ले आओ और रबड़ी अपने घर पे बना लो, या वो भी बाजार से ला सकते हो। मेन है कि आपको स्टाइल में आपको कैसे सर्व करना है। तो ये मैंने उस हिसाब से कर दिया कि आपका स्टाइलिश डिश हो जाए। और कितनी बार होता है कि कभी आपको कोई मोतीचूर का लड्डू दे के जाता है, कभी कोई मिठाई दे के जाता है, कोई मिल्क केक देता है, तो आप ये जो रबड़ी मैंने डाला उसकी जगह आप मिल्क केक की चौकी डाल सकते हो। तो इस तरह से मेरा ये स्मार्ट कुकिंग हो गया, जिसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, लेकिन अगर आप किसी को खिलाओगे तो लगेगा कि आप कितना अच्छा कुकिंग करते हो। तो ये दिवाली के टाइम में आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ इसको रिलिश करो इसे खा के, और मुझे फीडबैक में बताना अगर आप कोई स्टाइल से बनाते हो या कोई डेयरिंग करते हो तो मुझे फीडबैक में बताना, तो मैं आपका रेसिपी भी बना के दिखाऊंगी, आपका नाम लेके कि इन्होंने मुझे ये रेसिपी दिया है। और ऐसे मेरे पास लेयरिंग के और भी आइडियाज हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा लेयरिंग का आपको वीडियो दिखाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ चलिए अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।